आइए देखते हैं कि डब्ल्यू बी में इस टाइप का भी सम दे सकता है। यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है और इसका वैल्यू निकालना है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये निकालते हैं, ए प्लस बी निकालेंगे, फिर ए माइनस बी निकालते हैं, इस तरह का। तो इतना ना करके हम लोग एक काम करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी ना निकाल के इसको हम निकालेंगे केवल ए प्लस बी और ए इंटू बी। ए प्लस बी मतलब इसको इसको ऐड करना है। तो ये हो गया रूट फाइव प्लस वन, ये हो गया रूट फाइव माइनस वन, ये हो गया रूट फाइव माइनस वन बाई रूट फाइव प्लस वन। अब इसका एलसीएम ले लिए, ये सब ब्रैकेट में रहेगा, तो ये हो गया रूट फाइव माइनस वन, ये हो गया रूट फाइव प्लस वन। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसका इससे इंटू होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस प्लस इंटू डिवाइड हो गया, कट गया, ये इसका इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, टू ए स्क्वायर, ए माने इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। नीचे भी फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया टू फाइव प्लस वन, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होता है, फाइव माइनस वन, तो टू इंटू सिक्स बाई फोर, तो ये हो गया ट्वेल्व बाई फोर, ये थ्री। तो इसका मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया, थ्री आया। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए इंटू बी, तो ये हो गया रूट फाइव प्लस वन और ये हो गया रूट फाइव माइनस वन, इंटू रूट फाइव माइनस वन, ये हो गया रूट फाइव प्लस वन, ये सारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, वन। जीरो नहीं लिखना है, बहुत सारे बच्चे जीरो लिख देते हैं, जीरो नहीं लिखना है, सारा कैंसिल हो गया तो वन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जीरो बिल्कुल ही नहीं लिखना है। कई बार बच्चों को देखा गया कि सारा सर सब कट गया तो जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, ये एक्चुअली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वन होगा। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया ए माइनस बी का ये और ये ए प्लस बी, ठीक है। तो जनरली हम बच्चों को देखते हैं कि ए प्लस बी निकालते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी का जरूरत ही नहीं, इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, और ये भी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का वैल्यू दिया है थ्री, तो यहाँ पे थ्री का स्क्वायर फोर डॉट वन, और ये भी हो गया थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस फोर हो जाएगा, फोर ए बी का वन दिया, फोर वन या फोर और थ्री थ्री या नाइन, नाइन में से फाइव या फोर गया फाइव, फाइव बाई नाइन, ये रहा फाइनल आंसर, ठीक है। थैंक यू।